नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम भक्त हनुमान जी के सुप्रसिद्ध मंदिर सिद्ध बलि धाम को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। ऐतिहासिक मौके पर सिद्धबलि मंदिर में अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। दो दिन तक चलने वाले अनुष्ठान के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, साथ ही महिलाओं द्वारा रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष जेपी ध्यानी ने बताया कि मंदिर में कल से अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, जबकि 22 को झंडा चौक बाजार में लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। तो हमारा सौभाग्य है और हमारे ये जो पीढ़ी चल रही है, जो हमारा ये सब पीढ़ियाँ हैं जो इस समय एट प्रेजेंट चल रही हैं, वो बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है और राम जी पधार रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य तो शायद हमारी पीढ़ी को, हमारे अब जो चल रही हैं और हैं, उन्हें ये सौभाग्य मिला है और इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं अपने आप को। तो हमारा सौभाग्य है जो हमें इस दिन को देखने के लिए हम पैदा हुए हैं। हमारे जो पूर्वज ने इतना बलिदान दिया है इस चीज़ के लिए, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो हम ये चाहेंगे जो हमारे आने वाले जनरेशन है इस चीज़ को याद रखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हनुमान जी के सुप्रसिद्ध मंदिर सिद्धबलि धाम में राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि इस ऐतिहासिक पल में सभी युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और पूरा देश ही नहीं विश्व राममय हो गया है। घर घर में खुशियां मनाई जा रही है। इस दौरान सिद्धबलि मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए कोटद्वार राममय हुआ, पूरा देश प्रसिद्ध सिद्धबलि में लगा राम भक्तों का तांता। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हम यहाँ पर सिद्धबलि मंदिर पर मौजूद है और यहाँ हम देख रहे हैं पूरा देश ही नहीं विश्व भी राममय हो चुका है। आप जिधर नजर उठाएंगे राम भक्तों की भीड़ लगी हुई है, राम की धुनें सुनाई दे रही है और ये बहुत सौभाग्यशाली लम्हा हमारे लिए आया है और हमारी हम भी सौभाग्यशाली है कि हम इस लम्हे को देख पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ राम भक्त जुड़े हुए हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि आज का जो ये दिन आया है, रामलला विराजमान हो रहे हैं, कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? आज हम सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि बहुत लंबी 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में अपने महल में, अपने मंदिर में पधार रहे हैं। हम सब लोग उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपने मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं क्योंकि उनके और योगी जी के अथक प्रयत्नों से ही ये काम संभव हो पाया है। हमारे साथ जो राम में भक्त जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री और योगी जी को भी, जिनके वजह से आज ये हम अलौकिक क्षण देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में एक यूथ भी जुड़ा हुआ है, हम उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। पहले तो जय श्री राम सभी को। मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि 500 साल की तपस्या के बाद हम लोगों के लिए ये दिन देखने को आया है। बाकी प्रभु श्री राम की कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता था और सौभाग्यशाली है हम सब सनातनी, सब हिंदू, जो कि ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। जय श्री राम। हमारे साथ यूथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि हम सौभाग्यशाली है, हम ये दिन देखने को मिल रहा है। और हमारे आजकल हम देखते हैं यूथ वैसे मोबाइल में लगा रहता है, आजकल यूथ के मोबाइल में राम धुन के सिवा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि राम के नाम के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं सब राम के प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं और सब यही खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि आज हमें ये क्षण देखने को मिल रहे हैं। कौन तौर से इंडिया वॉइस के लिए 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। हर कोई राममय हो चुका है। उत्तराखंड में भी जगह जगह शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश के हर एक मंदिर में बीजेपी द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सीएम धामी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
प्रदेश के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस ऐतिहासिक पल में सभी युवा बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और पूरा देश ही नहीं विश्व राममय हो गया है। घर घर में खुशियां मनाई जा रही है, विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो देश हुआ है राम में, खुशी का माहौल है हर जगह, उत्साह जो है काफ़ी चरम पर है। और बता दें कि खुशी जो है वो हर जगह देखने को मिल रही है। राम महोत्सव की धूम भी साफ तौर पर नज़र आ रही है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वाराणसी हो या फिर अयोध्या हो, हर तरफ सिर्फ राम में ही लोग दिखाई दे रही है। ऐसे में बता दें कि जगह जगह कई शो का आयोजन भी किया गया है, 22 तारीख को लेकर खास प्रबंध भी किए जा रहे हैं। तुषार गुप्ता और विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ खास आज होने वाला है और कल की क्या तैयारी? आज विभिन्न तरह की शोभा यात्रा है, और आज देहरादून में कभी देवनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। इसी के तहत आज जो पूरा माहौल है देवनाथ में, और कई ना कई शोभा यात्रा तीन दिन में डाले या फिर भजन वगैरह दिया रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए लोग हैं कई ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं पंचायती मंदिर में क्योंकि मंदिर भी इंतजार चले हुए हैं, साथ साथ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आह्वान किया है पूरे देश भर में की दो मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, और आप जो राम दरबार है आपको साथ नजर आएगा। और इसमें 22 जनवरी के लिए खास सजावट यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर बंधन व्यक्ति जी की सुंदरकांड का विधान किया जाएगा, हनुमान चालीसा बोली जाएगी, रामायण की जो कंपियां है वो भी इसे बोली जाएगी। तो भगवान राम से लेकर जो लोग उत्साह है वो देहरादून में यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी मौजूद है। गुरु जी, अगर बात की जाए तो किस तरह से पूरा कार्यक्रम रखा गया है? जय श्री राम। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज 500 वर्षों के बाद हमें ऐसे सौभाग्य मिला है जो हम अपनी आंखों के सामने भगवान राम लला के दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होते देखे। आज प्रत्येक भारतवर्ष सुन रहे हैं कि लोग इस भव्य काल को बड़े धूमधाम से मना रहे, और हम सभी लोगों को तो मन इतना प्रस्फुल्लित है कि क्या बताएं कि आज ये इतनी खुशी है, मन करा है। आज वास्तविक जो भगवान राम हमारे हृदय में विराजमान हो गए, और हृदय से जो है आज बाहर आ करके सारे भारतवर्ष की शोभा बढ़ा रहे हैं, सबको समृद्धि दे रहे हैं, और समस्त लोगों को समृद्धि दे करके इस शुभ अवसर का भगवान राम ने हमें मौका दिया है। सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये शुभ अवसर हमें दिखाया है, और आज ये हमारी लक्ष्मीनारायण पंचमी की सुंदरी हनुमान मंदिर जो बीच रोड में आरा घर में स्थित है, आज 4 बजे से शोभा यात्रा चलेगी, कल प्रातः काल भगवान राम की पूजा अर्चना होगी, उसके बाद लाइव डे विकास है अयोध्या से, उसके बाद भंडारा है, सुंदरकांड है, कल विशेष आरती होगी, राम नाम की धुनी होगी, 2100 दीपक जलाए जाएंगे, अनेक भक्त रूप से। मगर दिवाली जो है कार्तिक में आती थी, ये दो दिवाली जो है इस वर्ष से मनाई जा रही है, इतनी खुशी है कि ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल, हमारे जितने राम मंदिर यहाँ पर हनुमान जी का विशेष है, दुर्गा मंदिर दुर्गा का मंदिर है, और ठाकुर जी सब का हमने वस्त्र धारण कराए हैं, सुंदर श्रृंगार करवाया है, आप देख रहे होंगे भगवान है तो लग रहे हैं कि बस अभी मुंह से बोल रहे हैं।
जी बिल्कुल जी, मतलब जिले दुनिया की पहला तो उत्साह है, उत्साह स्तर पर नजर आ रहा है। और जो कार्तिक महीने में आज जिस तरह से दिवाली आती थी, आज लेकिन इस बार जो स्पेशल रहा है वो इस बार हम दो दिवाली बनाएंगे, 22 जनवरी को और ये कार्तिक महीने में। तो पहले का जो उत्साह है वो सड़कों पर दिखाई है, जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, वही मंदिरों में सूर्यकांड और साथ साथ कई कीर्तन भजन अभी से शुरू हो गए हैं संजय काल से। तो कहीं ना कहीं जो खुशी है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री की सत्य गाड़ी भी जगह जगह जाकर यहाँ पर शोभा यात्रा से भरी गई। जी बिल्कुल, और विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, धर्म नगरी में किस तरीके की तैयारी है, सोमवार को क्या कुछ खास? देखिए, अयोध्या में कल राम अपने जो स्थान है वहाँ पर प्रतिष्ठा होने वाली है, और उसको लेकर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरा देश इसमें राम में है। अगर हमारी धर्म के हरिद्वार की बात करें तो हर गली हर चौराया यहाँ पर राम के नाम से पटा पड़ा है। और विशेष तौर पर अगर हम हर की पैड़ी की बात करें जहाँ पर 1.25 लाख दियों से राम का स्वागत होगा, हर की पैड़ी कल शाम के समय 1.25 लाख मकाएगी। वहीं एक दिन पहले ही दीपों से और विभिन्न तरह की लाइटों से हर की पैड़ी को सजाया गया है, और न केवल हर की पैड़ी बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों को भी लगा इसी तरह से सजाया गया, हर चौराहे को सजाया गया है। वहीं अलग अलग संगठनों के लोग अलग अलग जिस तरह से सनातन को लेकर जो पहल करते हैं वो सभी लोग अपने अपने स्तर पर इस तरह के प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। कोई शोभा यात्रा निकाल रहा है, कोई किसी तरह से भगवान राम के लिए अपना समर्पण कर रहा है, विभिन्न तरह तरह के संगठन है वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से पूछेंगे किस तरह से वो कल राम का स्वागत करेंगे, किस तरह से रहने वाला है। जय श्री राम। सभी देशवासियों को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के राम भगवान जी की शुभकामना, मंगल कामना। ये सभी सनातन प्रेमी सभी भारतवासियों का उत्सव है, मन का भाव आज सब सनातन प्रेमियों में वाल आया। एक उज्जवल जो मंगल कामना की थी प्रभु राम जी की, कई पीढ़ी गुजर गई और प्रभु राम जी हमारी आंखों के सामने प्राण प्रतिष्ठा हो रही, ये हमारे लिए सबका विषय। तो कल किस तरह से पूरा दिन रहने वाला है राम में, अगर जिस तरह से कल पूरा देश रहने वाला है, आपकी तरफ से क्या तैयारियां लेके की गई हैं? अगर बात देखो हमारे बात नगरी में जितने भी चुनाव है लाइट झंडों से और अनेरे जैसे राम दलिया राम खिचड़ी, और हमने अभी चर्चित से तैयारी करके राम मिठाई, जो राम मिठाई हमारी भगवा में ही होगी और एक आनंद भाव के साथ राम मिठाई का बस राम चौक पर वितरण होगा पूजा के साथ, क्योंकि उत्तराखंड देव भूमि है और माँ गंगा जी का प्रांगण है, यहाँ तो सब उत्सव के साथ अवध हमारा बार बन चुका है। ऐसे राममयी में सब मंगल कामना, पूरा भक्ति में पूरा हरिद्वार हो चुका है, पूरा देश हो चुका है। इस समय हम खड़े हैं हरिद्वार में हनुमान घाट पर, जहां अब से थोड़ी देर में ही एक शोभा यात्रा यहां पर निकलेगी जो हर की पैड़ी तक जाएगी हनुमान घाट से, और पूरे यहां पर जिस तरह से निरंजनी अखाड़े की तरफ से ये शोभा यात्रा निकलेगी, और जिसमें तमाम न केवल संत होंगे बल्कि पूरे शहर के जो अन्य सनातन को मानने वाले हैं, किसी भी संगठन से जुड़े हो, सभी राम में होकर यहाँ पर उस शोभा यात्रा में निकलेंगे, हर की पैड़ी तक जाएंगे। और हर जो अगर हम कल की बात करें, हर अखाड़ा हर मंदिर और हर घाट लगभग यहाँ पर राममय रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या स्त्री बात करेंगे महाराज जी, कल की क्या व्यवस्था है, आज जैसे शोभा यात्रा निकल रही है क्या रहने वाला है विशेष तौर पर? कल हमारे यहाँ सुबह हनुमान जी का स्नान होगा, चोला चढ़ाया जाएगा, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ होगा और फिर प्रसाद भव्य होगा, और रात के समय हमें भव्य दिवाली के रूप में बड़े उत्साह से दीप जलाए जाएंगे, बड़े उत्साह से मनाए। तो कितनी खुशी इसमें है जिस तरह से पूरे देश इस समय राम में है और अयोध्या में एक राम वहां प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, किस तरह की? राम तो प्रभु सभी की है, कण कण में बसे हैं, किंतु आज जो समय हमें सौभाग्य मिला है अपनी आंखों से हम स्वयं देख रहे हैं, वर्षों की लड़ाई चली आ रही थी, जो आज सौभाग्य हमें मिला देखने के लिए हम बड़े उत्सुक है, बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हमारे पास कुछ शिक्षा देते हैं, किस तरह से बच्चों में किस तरह से उत्साह देखने को मिला है, अगर आप बात करें तो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये बहुत ही आनंद और अलौकिक दिवस 22 जनवरी को
आने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा प्रत्येक सनातनी को थी, प्रत्येक भारतीय को थी, प्रत्येक हिंदू को थी, वो पल आ गया है। और क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं और छात्रों में भी उत्साह देखने को मिल रहा होगा कॉलेज में, तो किस तरह से छात्रों में विशेष तौर पर छात्रों में विशेष उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। और जबकि 22 जनवरी को प्रशासन के द्वारा जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, इसके बावजूद भी छात्र और छात्राएं जो है कॉलेज प्रांगण में इकट्ठा हो रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, श्री राम के स्वरूप को जो है वहां चरितार्थ करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो वहां से चंद्राचार्य चौक और गोविंदपुरी होते हुए जो है फिर कॉलेज में वापस आएंगे। हरिद्वार की बात करें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अखाड़े हो, चाहे मंदिर हो, चाहे नगरी की हर की पैड़ी, सभी जगह राम में होगी और राम के नाम का ही जाप यहाँ पर पूरे दिन रहने वाला है। जी बिल्कुल। अंजुना भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है कोटद्वार से। अंजुना, बात की जाए तो क्या तैयारी कोटद्वार में, आपके पीछे काफी ज्यादा हलचल नजर आ रही है। आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, दोबारा से आऊंगी आपके पास। तुषार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, अगर बात की जाए देवभूमि में किस तरीके की तैयारी, क्या लेजर शो भी होने जा रहा है आज और कल, क्या कुछ महत्वपूर्ण? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए देहरादून की या फिर तीर्थ नगरी की, बताया कि तीर्थ नगरी में किस तरह से मंदिर और मठों में जो उत्साह रहने वाला है, लेकिन अभी तक अगर बात करें हर गांव हर शहर एक तीर्थ नगरी की तरह नजर आ रहा है। हर घरे में जो झंडे हैं वो नजर आ रहे हैं, साथ साथ गाड़ियों में जो राम नाम के झंडे हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मंदिरों में जो तैयारी की बात करें, कि जिस तरह दिवाली में जो तैयारियां होती है वो अब इस तरह की लाइटिंग का यहाँ पर साथ साथ लाइटिंग लगाई जाएगी और फूल मालाएं लगाए रहे हैं लोग, और राम नाम का जो झंडा है वो अपने घरों पे लगा रहे हैं, क्योंकि राम राज्य जो सपना देखा था 500 वर्ष 50 वर्षों तक जो सनातनियों ने, वो पूरा होने जा रहा है। और इसके तहत लोगों ने जो झंडे हैं अपने गाड़ियों में घरों में साथ साथ शोभा यात्रा जिस तरह से निकाली जा रही है, तो पूरे उत्साह में पूरा शहर गाँव सब एक तीर्थ नगरी में हो चुका है। और दिवाली का के तौर पर ही जिस तरह से मिठाइयाँ बनाई जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, विशेष व्यंजन बनते हैं, तो वही लोग अपने घरों पे बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग हैं उनके अंदर तक काफी कहा जा सकता है कि उत्साह है। आप सामने की तरफ देखेंगे तो दुकानों में आपको झंडे नजर आएंगे, क्योंकि त्योहार की तरह इसे बनाया जा रहा है। दीप यहाँ पर दिखेंगे और साथ साथ जो दिवाली में जितने भी सजावट के सामान होते हैं वो अब छोटी छोटी दुकानों में देखने को मिल रहा है। देहरादून के मैं पल्टन बाजार की बात करूँ तो वहाँ पर मधुमोहक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। अगर वहाँ की मैं बात करूँ तो पूरे पल्टन बाजार, पूरे देहरादून, पूरे उत्तराखंड को पूरे भव्य कलर में सजा दिया गया है। बस इंतजार है बस कल का कि कब राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, और इसी को लेकर पूरे प्रदेश में चाहे वो सरकार के तौर पर हो या फिर आम जनमानस हो, सब उत्साह में सब इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का, कब रामलला अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और पूरे देश में राम राज्य आएगा। जी बिल्कुल। अगर विकास बात की जाए तो क्या भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार भी पहुंच सकते हैं कल? केवल श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे बल्कि जो बाहर लोकल जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में हर की पैड़ी पर पहुंचेंगे। साथ ही पूरा अगर हम हरिद्वार वासियों की बात करें तो हरिद्वार वासी भी पूरी इस दिन को दीपावली की तरह मनाने को तैयार है, जहाँ बाजारों में एक बार फिर से पटाखे दीपावली पर लाइटों की और दीपों की बिक्री होती है, ठीक उसी तरह से आज यहाँ पर सभी चीज बिक रही है। और जिस तरह से कुछ लोग हमारे साथ भी हैं जब बात आप कर ही रहे थे, तो घरों को विकास पूरी तरीके से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। तुषार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, देखिए कि 22 तारीख की तैयारी तो हर कोई कर रहा है, लेकिन
यहाँ पे अयोध्या में जो तैयारी चल रही है, तकरीबन तकरीबन वो तैयारी हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में देखने को मिल रही है, और उत्साह भी उतना ही ज्यादा ही है। 550 वर्ष तक हमने इंतजार किया कि कब वो राम मंदिर बनेगा, और वो राम मंदिर 22 जनवरी को बनने जा रहा है, जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए। और इसी के लिए जो उत्साह है पूरे प्रदेश देश भर में पूरा देखा जा रहा है, हर गली मोहल्ला सजा हुआ है। दीपावली से भी अधिक मैं बात करूँ तो अत्यधिक जो उत्साह है वो सड़कों पर नजर आ रहा है, जगह जगह शोभा यात्रा निकल रही है, राम के भजन है, LED स्क्रीन लगाई गई है प्रदेश सरकार द्वारा, ताकि जो लोग हैं राम के भजन सुन सके और इसमें घूम सके। और घंटाघर, राजपुर रोड, सारणपुर के ये जो मुख्य द्वार है देहरादून के, वहाँ पर जो उत्साह है घूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, तो खुशी का माहौल पूरे देश में है। राम राज्य का जो सपना देखा गया था आम जनमानस में वो पूरा होने जा रहा है, चाहे कोई भी धर्म का हो, सब यही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राम लला कब 22 जनवरी को उसमें मंदिर में विराजमान होंगे, और इसको लेकर जो उत्साह है पूरी सड़कों पर नजर आ रहा है, लोगों ने अपनी गाड़ियों में राम के जो झंडे हैं वो भी लगा रखे हैं, उत्साह उसी की गणित के साथ साथ कारों में भजन भी यही चल रहे हैं राम के, तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो राम मंदिर का वो गांव गांव तक एक कहा जा सकता है कि निचले स्तर तक भी पहुंच चुका है, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल स्तर तक ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा राममय हो चुका है, और ये उत्साह सभी लोग मना रहे हैं। और इसका इंतजार जब 500 वर्ष तक किया गया तो अब जब ये पूरा होने जा रहा है, अब लोगों की यही कामना थी, यही थी, वो सौभाग्य मान रहे हैं कि इनके जब इनका उनके इन्हें ये सौभाग्य देखने को बिल्कुल रहा कुछ ही घंटे का इंतजार है, और ऐसे में वो भव्य दिन, वो घड़ी जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था वो आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अंजुना भी हमारे साथ बनी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।